हेलो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं हम गॉस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें इस अचालक चादर के निकट क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये मानते हैं कि यदि कोई आवेश क्यू क्षेत्रफल ए पर समान रूप से वितरित हो, कोई क्षेत्रफल है, कोई आवेश क्यू है, किसी भी क्षेत्रफल पर क्या है, समान रूप से वितरित हो, तो पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को पृष्ठ का आवेश घनत्व अथवा आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, और आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है उसका क्या है, किसी आवेशित पृष्ठ पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है उसका फार्मूला क्या होता है, क्यू सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और आवेश का रेखीय घनत्व क्या बताया था, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ये भी बिल्कुल सेम है जैसे पहले वाला किया था कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकाली थी इससे पहले वाले लेक्चर में। जिसने नहीं देखा है वो उसको देखे, पहले सीरियल वाइज देखे तभी उसको समझ में आएगा। ये और वो दोनों ही लगभग सेम है, उसमें लंबाई पे था लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल था, यहाँ पे आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो कैसा है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब हमें इसमें करना क्या है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए है, हमें क्या करना है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, यहाँ पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित अचालक समतल चादर के निकट चादर से आर दूरी पर, ये चादर है, चादर से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, माना चादर के दूसरी ओर, ये चादर के एक और बिंदु P है, यहाँ चादर के दूसरी ओर सममिति से जितनी दूरी पर ये बिंदु है P, उतनी दूरी पर एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं P डैश। ठीक है, सममिति से दो बिंदु ले लेते हैं, एक P, ये तो P पे तो निकालना ही है, और सममिति से बिंदु P डैश ले लेते हैं, जितनी दूरी पर यह है उतनी दूरी पर ये वाला बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, और जिसके समतल सिरे चादर के समांतर हैं, ये समतल सिरे मैंने पहले वाले में बताया था, ये बेलन है एक, और ये इसका समतल सिरा है, और ये वाला क्या है, ये वक्रीय सिरा है। यहाँ लिख भी सकते हैं तुम लोग, ये वाला क्या है, ये समतल सिरा है, ये वाला भी समतल सिरा है। ठीक है, और ये वाला क्या है, ये वक्रीय पृष्ठ है, वक्रीय पृष्ठ। ठीक है, वक्रीय पृष्ठ सही है, ये क्या चीज़ है, ये वक्रीय पृष्ठ है इसका, वक्रीय पृष्ठ। अब जैसे उसमें मैंने तुम्हें बताया था, अब इसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। देखो ये जो है इस तरह से ले सकते हैं, ये चादर है और यहाँ पे एक बेलन है, तो बेलन है यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर को है, इधर को बाहर की तरफ को, और क्षेत्रफल की दिशा किधर को आएगी, इधर को आएगी, दोनों ई की दिशा में। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही आएगा, ये देखो ई की दिशा इधर को है, ठीक है, और डी ए की दिशा इधर को है, क्षेत्रफल की दिशा लंबवत होती है। और यहाँ पर अगर देखें तो E की दिशा तो हमारी इस तरफ है, लेकिन DA की दिशा किधर को हो गई, वो इधर को हो जाएगी, सही है, ऊपर की तरफ को हो जाएगी, दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, सही है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, हम गॉसियन बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे, जैसे सेम उसमें किया था, फार्मूला ही हमारे पास, फाइ इक्वल टू ई डॉट डी ए। ठीक है, फाइ इक्वल टू वैद्युत फ्लक्स क्या फार्मूला है, ई डॉट डी ए। अब इसको हम इस तरह से करेंगे, जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ए, वो तीन तरह से, जैसे पहले वाले में आया था, ये शॉर्टकट मैंने बना रखा है तुम्हारे लिए, फाई इक्वल टू समतल सिरे के कारण, समतल सिरे के कारण, और ये वक्री पृष्ठ पर, इंटीग्रेशन कहाँ पे है, समतल सिरे में, समतल सिरे में और वक्री पृष्ठ में, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए और ई डॉट डी ए। ठीक है, ये फार्मूला ही है यहाँ पर, तो ये इस तरह से हो गया। और ये दो मैंने अभी तुम्हें बताया, यहाँ पर कोण कितना है, यहाँ पे जीरो डिग्री कोण है, यहाँ पे दो ई डी के बीच में जीरो डिग्री कोण है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण है। तो समतल सिरे में जीरो डिग्री, जीरो डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ई डॉट डी ए, ई डॉट डी और ये जीरो डिग्री, तो ये फ्लक्स कितना आया, वैद्युत फ्लक्स कितना आया, ई, ई तो कांस्टेंट है, ई बाहर आ जाएगा, यहाँ डी ए बचेगा, यहाँ भी डी ए बचेगा। और फाई क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स गॉस प्रमेय के अनुसार मैंने पहले ही बताया, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे इसकी जगह, वैद्युत फ्लक्स की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डी ए का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह ए रख देंगे, ई तो कांस्टेंट था बाहर आ गया, और डी ए की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो ये क्या है, ई और ई ए, टू ए, ई ए हो जाएगा, जैसे एक्स प्लस एक्स क्या होता है, टू एक्स होता है, ऐसे ई ए और ई ए क्या हो जाएगा, टू ई ए हो जाएगा। और यहाँ से क्यू की वैल्यू हम कौन से फॉर्मूले से लगेंगे, आवेश का जो पृष्ठ घनत्व था, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए आ जाएगा।
तो यहाँ से हम क्यू की जगह क्या रख देंगे, सिग्मा यहाँ रख देंगे और ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, ई इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आर पे डिपेंड नहीं कर रही, इसमें कहीं आर का फैक्टर नहीं आ रहा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि अतः चादर के निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, समान है। यानी इक्वल टू क्या आया, चादर के निकट क्या आई, इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। ठीक है, तो चादर के निकट सभी बिंदुओं पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। एक बार फिर देखते हैं इसे, ये दूसरा एप्लीकेशन है किसका, गॉस के नियम का। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर, अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अनंत, ये यहाँ पे ऐसे बना रखा है, ये अनंत विस्तार की चादर है। अब यहाँ पर इस चादर के कारण बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम क्या डिफाइन करते हैं, एक पृष्ठ है तो पृष्ठ पर आवेश को डिफाइन करने के लिए हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। हमें क्या करना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करते हैं हम, ये जो बेलन है इसके सिरे का क्षेत्रफल कितना है, टोटल क्षेत्रफल ए है और ये एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया है यहाँ पे डी ए। इसके कारण क्या है, इसकी दिशा इधर को है, इसकी दिशा इधर को है, यहाँ पे ए की दिशा इधर को है, डी ए की दिशा इधर को है और यहाँ पे तीन सिरे हैं इसमें बेलन के कारण, यहाँ पे हमें और इधर पे ई की दिशा तो इधर को ही है और डी ए की दिशा इधर को है, दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री है। ठीक है, अब बिंदु पी पे निकालना है तो इसके सममिति से इतनी दूरी पर एक बिंदु पी डैश ले लेते हैं। ठीक है, तो जो संपूर्ण इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है, या यह कहें कि गॉसियन पृष्ठ से कितनी बल रेखाएँ गुजर रही हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, फाइव इक्वल टू ई डॉट डी हो जाएगा। और वैद्युत फ्लक्स जो है ये तीन तरह से आएगा, समतल सिरे के कारण, समतल सिरे के कारण और वक्री पृष्ठ के कारण। यहाँ पे ये जीरो नहीं लगाएंगे, बंद पृष्ठ नहीं लगाएंगे क्योंकि अब अलग अलग पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए और ये आ जाएगा तुम्हारा फाइव इक्वल टू ई डी ए कॉस जीरो और ई डी ए कॉस जीरो, दोनों के बीच में जीरो है समतल सिरे में और यहाँ पे कितना 90 डिग्री, अभी समझाया भी तुम्हें मैंने। और फाइव इक्वल टू ई डी ए और ई डी ए हो जाएगा, ये कॉस जीरो का मान 1 हो जाएगा और फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई और ई तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ई कॉन्स्टेंट है और ई ए और ई ए, ये डी ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जैसे एक्स प्लस एक्स टू एक्स होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टू ई ए हो जाएगा। और यहाँ से वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है गॉस प्रमेय से क्या होता है, फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लिख भी रखा है मैंने गॉस प्रमेय से, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए, ये अभी बताया आवेश का पृष्ठ घनत्व, और यहाँ से आवेश निकालेंगे तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा और क्यू की जगह रख देंगे सिग्मा इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट और ये टू ई ए हो जाएगा और इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यहाँ से E के फॉर्मूले में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई बिंदु P पर, यहाँ पर कहीं R का फैक्टर नहीं आ रहा, जो ये दूरी R थी यहाँ से। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, अतः चादर के निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, समान है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और दिशा अगर दिखाएंगे इस वैद्युत क्षेत्र की तो किधर को आएगी, ये चादर से दूर की ओर को आ रही होगी ये। ठीक है, ये चादर से दूर की ओर होगा। अगर हम क्या करें, इस धनावेशित चादर के बदले एक ऋणावेशित चादर लें तो दिशा किधर को आएगी, ई की दिशा इधर को आएगी, बाकी सब सेम आ जाएगा। ई की दिशा किधर को आएगी, इधर को आ जाएगी। ठीक है, सही है, इधर ई की दिशा किधर को आएगी, चादर की ओर को होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।